हम इफेक्टिव मैनेजर की क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि एक इफेक्टिव मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक इफेक्टिव मैनेजर में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करे और खुद के एजेंडा, दिन भर का एजेंडा सेट भी करे और लोगों के साथ, टीम के साथ भी डिस्कस करे। अब एजेंडा क्या होता है? एजेंडा वो पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पे कुछ डिस्कशन या मीटिंग होने वाली है ना। लिस्ट ऑफ टास्क टू बी डिस्कस्ड, मतलब जो जो टास्क हमें करने हैं वो काम की लिस्ट को हम एजेंडा की लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमें एक मीटिंग में डिस्कस करना है। अब ये जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग आपका, मीटिंग एजेंडा आपको अलग अलग लेवल पे बनाना होता है। आप डेली जो रोज़ की एक्टिविटीज़ है उसके लिए आप एक डेली एजेंडा बनाते हैं, डेली मीटिंग करते हैं उसके लिए। कुछ एजेंडा जो होते हैं वो आपके वीकली एजेंडा होते हैं, कुछ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली होता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के एजेंडा होते हैं, टाइप ऑफ एजेंडा। अब एजेंडा में कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया जाना चाहिए, मतलब एजेंडा में कौन कौन से पॉइंट होने ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए जिस पॉइंट पे आप डिस्कशन करने वाले हैं उस पॉइंट की लिस्ट, मतलब पूरा लिस्ट क्या क्या, जिस जिस पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है वो लिस्ट एजेंडा में होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ में डेट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए और वो जगह होनी चाहिए कि किस जगह पे कितने बजे किस तारीख को ये मीटिंग की जाने वाली है, जिस पे ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होने वाला है या इस पर डिसीजन लिया जाने वाला है। और साथ ही साथ में कि कौन कौन रहेंगे इस मीटिंग में, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये भी इस एजेंडा में। एजेंडा जनरली जो आज की डेट में होता है वो दो प्रकार से बनता है। एक एजेंडा जनरली लोग पेपर में या फिर एक रजिस्टर में, एजेंडा रजिस्टर में लिख के उसे रखते हैं, और दूसरा एजेंडा जो है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आता है, जो कि आप कंप्यूटर में टाइप करके रखते हैं, है ना। अगर हार्ड कॉपी है तो वो आप सभी को हार्ड कॉपी सर्कुलेट करेंगे और सबके पास में जाके साइन करवाएंगे, सबको दिखाते हुए कि भैया आज का एजेंडा ये है, या जो भी तारीख का डिसाइड किया हुआ होगा वो डेट का एजेंडा ये है जिस पे आपको डिस्कशन करना है, आप बाकी अलग अलग टीम से, है ना। और एजेंडा में और क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए? एजेंडा में ऑर्डर इन विच द आइटम्स आर टू बी डिस्कस्ड। एजेंडा जो आइटम होता है उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं जिस पे डिस्कशन किया जाना होता है, या बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिस पे डिस्कशन किया जाना होता है, तो वो लिस्ट क्या रहेगी और किस एक ऑर्डर में रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले ए करेंगे, फिर उसके बाद आई करेंगे, फिर उसके बाद बी करेंगे। एक सीक्वेंस में रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर ये सीक्वेंस है तो इसी सीक्वेंस में ही वहाँ पे डिस्कशन होगा और इसी सीक्वेंस पे एजेंडा डिफाइन किया गया रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा कि कितने बजे किस पॉइंट पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो ये एजेंडा शुड इंक्लूड में ये दो पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। एजेंडा, जो व्यक्ति एजेंडा नहीं बनाता है वो मान के चलो कि वो बिना प्लानिंग के काम कर रहा है। और ये जो एजेंडा है वो एजेंडा, कुछ एजेंडा ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल टीम इन्वॉल्व रहती है, कुछ मीटिंग ऐसी होती है जिसमें लोग बाहर से आने वाले होते हैं। तो जो इंटरनल मीटिंग होती है वो शॉर्ट नोटिस में भी आप लोगों को बताओगे कि हाँ कल आपका इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो इंटरनल टीम वो उस पर तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उनको ट्रैवल के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है। पर वहीं पे अगर कहीं आप बाहर से किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो आपको कम से कम 8-10 दिन का या 15 दिन का समय देना पड़ता है। मतलब 15 दिन पहले आप एजेंडा लोगों को सर्कुलेट कर दोगे, सर्कुलेट करना मतलब लोगों को दे दोगे और उनको बता दोगे कि इस विषय पे इस तारीख को डिस्कशन होने का है। तो अगर कोई दूसरे शहर से आने वाला है तो वो अपनी टिकट वगैरह सब अरेंज करके रख ले, या फिर अपने आने का साधन वो अरेंज करके रख ले, और जिस पॉइंट पे डिस्कशन किया जाने वाला है उस पे वो अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करके आ जाए, ताकि जब आप मीटिंग की टेबल पे बैठे, मतलब जब आप टेबल पे बैठे तो कम से कम एकदम ज़ीरो से ना स्टार्ट हो कोई भी चीज़, है ना। तो ये होता है हमारा एजेंडा। अगर कोई व्यक्ति या मैनेजर
एजेंडा नहीं बना रहा है, बिना एजेंडा के काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आगे चल के कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर जाए। हो नहीं सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बिना एजेंडा के काम कर रहे हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं तकलीफ में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बिना एजेंडा के व्यक्ति सिर्फ दौड़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो उसे कहाँ पे जाना है। अगर आपने प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग में आपने सेट किया हुआ है कि आपको ये सारे काम करने हैं, सपोज ए से लेके जेड तक के काम करने के हैं, और अगर आप एजेंडा नहीं बना रहे हो तो आज की प्रायोरिटी क्या है, कल की प्रायोरिटी क्या है, अगले हफ्ते क्या हमें कंप्लीट करना है, वो सब आपको पता ही नहीं है। और अगर आप मीटिंग नहीं कर रहे हो तो आपको रिव्यू ही नहीं पता चलेगा। इसके जो नेक्स्ट इफेक्टिव हैबिट होती है वो मीटिंग करना होता है, जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आपको एक सफल मैनेजर बनने की इच्छा है तो आपको एजेंडा क्या होता है, एजेंडा किस तरह से बनाया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना एजेंडा के अगर आप ऑफिस में जाके काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको रात को याद आएगा कि यार मुझे तो आज दिन भर में 4 काम किए करने के थे, पर मैं आज वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि आपने तो आज के दिन का एजेंडा, आपने आज के दिन की तो प्लानिंग की ही नहीं थी, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और हमेशा आगे जाके कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसेंगे, या तो रात को, या तो 2 महीने बाद, या तो 6 महीने बाद में, क्योंकि आपके काम बिना प्लानिंग के चलते जा रहे हैं, बिना एजेंडा के हिसाब से। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मीटिंग क्या होती है और मीटिंग किस तरह से की जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।